नमस्कार, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सरकारी नौकरी के लिए देनी होगी अब एक परीक्षा। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को दी मंजूरी। भारत में अब सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ एक परीक्षा देनी होगी। सीईटी के जरिए अब कई तरह के टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, जिससे समय और संसाधन बचेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अगस्त बुधवार को राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर सुनवाई टाल दी है और प्रशांत भूषण को बयान पर पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का वक्त दिया है। कोर्ट की अवमानना के मामले पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वह हर तरह की सजा के लिए तैयार हैं। भूषण ने कहा, मेरे ट्वीट एक नागरिक के रूप में मेरे कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए थे, ये अवमानना के दायरे से बाहर है। अटॉर्नी जनरल ने भी माना कि प्रशांत भूषण को उनके स्टेटमेंट पर फिर से सोचने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। क्या सचिन पायलट दोबारा बनेंगे डिप्टी सीएम? अशोक गहलोत ने दिया ऑफर। राजस्थान राजनीतिक विवाद भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही मामला सुलझने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। इसको लेकर पार्टी में मैराथन बैठक शुरू हो गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को दोबारा डिप्टी सीएम पद पर आने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि गहलोत खेमा फिर से पुराने रंग रूप के आधार पर सरकार चलाने की तैयारी में है। वहीं पायलट डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अमेरिका ने चीन को दिया एक और झटका, खत्म कर दिए ये 3 अहम द्विपक्षीय समझौते। कोरोना वायरस को लेकर जारी तकरार के बीच अमेरिका ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। हांगकांग में लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए अमेरिका ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 3 द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित कर दिया है। दरअसल चीन ने हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद से ही अमेरिका खफा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मार्गिन ऑट्रक्स ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने स्वायत्तता को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं, जिसका बीजिंग ने संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत चीन ब्रिटिश घोषणा पत्र के तहत यूनाइटेड किंगडम और हांगकांग के लोगों से 50 साल के लिए वादा किया था। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा NFSA के लाभपात्रियों की लिस्ट का विस्तार नहीं किया। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभपात्रियों की सूची में विस्तार के कथित नाकामी के लिए नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने 19 अगस्त बुधवार को एक ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार को NFSA के लाभपात्रियों की लिस्ट का विस्तार करना था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जनता को अपने हक का राशन नहीं मिला और इस समस्या ने त्रासदी का रूप ले लिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे ज्यादा 69,652 नए केस, कोरोना वायरस से 977 की मौत। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। रोजाना आने वाले मामलों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। 20 अगस्त गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में संक्रमण के सर्वाधिक 69,652 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 28 लाख के पार हो गई है। वहीं इस दौरान 977 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज पंचतंत्र में विलीन हो गए सुरों के रसराज। न्यू जर्सी से मुंबई लाया गया था पार्थिव शरीर। सुरों के रसराज पंडित जसराज का 17 अगस्त की शाम 5:15 पर न्यू जर्सी में निधन हो गया था। पंडित जी की पार्थिव देह 19 अगस्त बुधवार को मुंबई पहुंची। परिवार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पंडित जसराज जी का अंतिम संस्कार 20 अगस्त गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ होगा। पंडित जसराज को 90 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट हुआ था। पद्म विभूषण पंडित जसराज पिछले कुछ समय से अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही थे। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज से MBBS पास कर चुकी युवा महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस मामले में आगरा पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि डॉक्टर विवेक ने अपनी महिला साथी की हत्या की है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। घर वालों का आरोप है कि मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक तिवारी उनकी बेटी को लगातार परेशान कर रहा था और जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। इसके बाद डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है।
पटियाला जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत दो वार्डनों पर ईंट पत्थरों से हमला, घायल। पटियाला की सेंट्रल जेल में 19 अगस्त बुधवार को गुप्त सूचना पर बैरकों में चेकिंग करने गए डिप्टी सुपरिटेंडेंट और दो वार्डनों पर हवालतियों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। खबर लिखे जाने तक थाना त्रिपड़ी पुलिस ने 9 हवालतियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके मामले में कार्रवाई शुरू कर दी थी, जबकि घायलों को सरकारी राजेंद्रा अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। सचिन तेंदुलकर वापस चाहते हैं अपनी पहली मारुति 800। फैन से कार मालिक को ढूंढने को कहा। क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में गिने जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने मैदान के अंदर और मैदान के बाहर बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अभी भी उन्हें एक खास चीज की तलाश है। अपने कलेक्शन में एक से एक महंगी गाड़ियां रखने वाले सचिन तेंदुलकर को तलाश है एक ऐसी कार की जो अब बाजार में उपलब्ध नहीं है। ये कोई विंटेज कार नहीं, बल्कि एक वक्त भारतीय सड़कों पर सबसे ज्यादा चलने वाली और सबसे ज्यादा लोकप्रिय कार मारुति सुजुकी 800 है। दरअसल ये मारुति 800 भी कोई ऐसी वैसी कार नहीं है, बल्कि ये सचिन की सबसे पहली कार थी। इसे वापस पाने के लिए सचिन अब देश की जनता की मदद भी मांग रही हैं। सरकार ने जारी किया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम। लगातार चौथे साल इंदौर ने मारी बाजी। भारतीय सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा कर दी है और एक बार फिर से इंदौर ने बाजी मारी है। सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर इस साल भी टॉप पर है, वहीं गुजरात का सूरत शहर दूसरे स्थान पर काबिज है। इंदौर पिछले 3 सालों से टॉप पर था और ये उसका लगातार चौथा साल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।